अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यासर कपूर है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज पेरेडोन कराची के प्लेटफॉर्म से आज मैं मौजूद हूँ प्रिसेंट 4 के अंदर। प्रिसेंट 4 पेरेडोन कराची का 500 स्क्वायर यार्ड का प्रिसेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं प्रिसेंट 4 के अंदर और अभी आप इस विला का फ्रंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख सकते हैं। इस विला का आज हम आपको कंप्लीट इनसाइट टूर करवाएंगे। विला के बारे में बताता चलूँ तो इसके अंदर हाफ बेसमेंट है, टोटल 5 बेडरूम्स है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। डिमांड जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिमांड लिख दी गई है या हमारे स्क्रीन पर जाइए, नंबर पर रब्ता करके आप इस विला की डिमांड जान सकते हैं। व्यूअर्स, विला का आप फ्रंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख सकते हैं और अभी आप इसको मैं एक सीरियल लॉन दिखा रहा हूँ, वो भी आप इसका व्यू कर सकते हैं। इसके अंदर भी प्लांटेशन कर दी गई है, ग्रास वर्क भी इसके अंदर चल रहा है और इसका फ्रंट रैंप है। गैरेज के अंदर एंट्रेंस करते हैं, ये इसका गैरेज साइज़ है, यहाँ पर अपनी 3 गाड़ियाँ ईजिली पार्क कर सकते हैं। गैरेज का साइज़ आप देख सकते हैं और इसी के साथ ये इसका इंटीरियर लॉन है। इंटीरियर लॉन के अंदर भी आपको प्लांटेशन कर दी गई है, उसके साथ ग्रास वर्क भी यहाँ पर कम्प्लीट है। मेन एंट्रेंस से हम आगे चलते हैं तो लॉबी के अंदर हम मौजूद हैं। लॉबी की बात करें तो स्पेशियस आपको यहाँ पर वाइट वॉक मिल रही है और ऊपर से सीलिंग वर्क व्यूअर्स काफ़ी खूबसूरत है। वाइट के अंदर टोटल सीलिंग को डिज़ाइन किया गया, सीलिंग के ऊपर लाइटिंग वर्क भी अच्छा है और इसी साथ एंटर होते साथ आपको पाउडर रूम मिलेगा जिसके अंदर आपके लिए कमोड और वैनिटी सेटअप इंस्टॉल कर दिया गया। फैसल का सारा यहाँ पर आपको सामान इंस्टॉल कर दिया गया। उसी के साथ ड्राइंग डाइनिंग है, डबल यूनिट ये घर नहीं है, यहाँ से आपको इसकी डाइनिंग की स्पेस मिलेगी। सीलिंग वर्क देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर क्लासी वाइट डिज़ाइन यूज़ किए गए और इसका ड्राइंग स्पेस है। ड्राइंग स्पेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिल इंस्टॉल्ड है तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। उसी के साथ यहाँ से आपको व्यू मिलेगा आपके पैसेज का और फ्रंट से आपको गार्डन का व्यू मिलने वाला है। ड्राइंग के साथ ही यहाँ पर आपको डाइनिंग की स्पेस मिलेगी, एक एंट्रेंस है डाइनिंग के लिए, यहाँ से आपको बस किचन की स्पेस यहाँ से मिल सकती है। किचन में हम आ चुके हैं तो व्यूअर्स किचन की आप स्पेस देख सकते हैं, वाइट स्पेस है। उसी के साथ नीचे फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग टेक्सचर यहाँ पर दिया गया और ये इसकी टोटल स्पेस है किचन की। किचन के अंदर एक आइलैंड डिज़ाइन किया गया इस साइड पर और उसी के साथ यहाँ पर स्टोव और एग्जॉस्ट हुड की स्पेस दी गई है। एग्जॉस्ट हुड यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, डिश वॉशिंग एरिया यहाँ पर मौजूद है और इस साइड पर कैबिनेट स्पेस है, लेकिन आपके रेफ्रिजरेटर्स की स्पेस यहाँ पर मौजूद है। कैबिनेट स्पेस आप देख सकते हैं व्यूअर्स ज़्यादा है, एक ही थीम के अंदर टोटल किचन डिज़ाइन किया गया। किचन के फ्रंट पर आपको मिलेगा इसका टीवी लाउंज। टीवी लाउंज की बात करें व्यूअर्स, यहाँ पर स्पेशियस साइज़ के साथ साथ सीलिंग वर्क बहुत खूबसूरत है, एक शैंडेलियर बहुत खूबसूरत यहाँ पर लगा हुआ है, डबल फैंस हैं, उसके साथ नीचे टाइल वर्क भी आप देख सकते हैं। टोटल घर के अंदर सेम टाइल वर्क किया गया। 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं। फर्स्ट बेडरूम के अंदर चलते हैं तो व्यूअर्स 500 गज का वही जनरल साइज़ जो कि होना चाहिए यहाँ पर आपको फर्स्ट बेडरूम का साइज़ मिल रहा है। टाइल वर्क देख सकते हैं व्यूअर्स, काफ़ी रिफ्लेक्टिव टाइल है और ग्लोसी टाइल यहाँ पर यूज़ की गई है। सीलिंग वर्क की बात करें तो राउंड के अंदर सिर्फ फैन के साथ साथ यहाँ पर आपको एक राउंड सीलिंग वर्क करके दिया गया और ये इसका टोटल साइज है। वॉक इन क्लोजेट्स है, यहाँ से आपको वार्डरोब्स की स्पेस मिलेगी, इसके अंदर फिलहाल सामान है और इसी के साथ हम वॉशरूम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक सिंक मौजूद है, वॉल हैंग कमोड है और शॉवर यहाँ पर मौजूद है। सैनिटरी सेटअप्स तमाम मौजूद हैं यहाँ पर। ये इसका सेकंड बेडरूम है जो कि बहुत स्पेशियस है। सीलिंग वर्क की बात करें तो एलिगेंट डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ किए गए। सीलिंग वर्क के ऊपर अभी आपको अंदाज़ा शायद ना हो रहा हो लाइट की वजह से, तो यहाँ से आपको रूफ लाइट्स भी मिल रही हैं। 2 साइडेड विंडोज़ हैं, आपको सनलाइट भी इस घर के अंदर अच्छी मिलेगी, एयर फ्लो भी अच्छा होता रहेगा। और इसके साथ वॉशरूम के अंदर चलते हैं तो सबसे पहले आते साथ फ्रंट पर आपको वार्डरोब्स मिलेंगी और घर वॉशरूम का बाकी एरिया, यहाँ से आपको इसका सिंक मिलेगा, वैनिटी सेटअप है, वॉल हैंग कमोड है और वही शॉवर यहाँ पर आपके लिए बना कर दिया गया। वॉशरूम की टाइल वर्क आप देख सकते हैं, टाइल वर्क यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन कर रही है। ग्राउंड फ्लोर आपने देखा, अभी हम चलते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट इसकी हाफ बनाएगी, टोटल 500 गज के ऊपर नहीं बनाएगी, तो बेसमेंट का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये इसकी स्टेयर्स है बेसमेंट की तरफ जाने के लिए और फर्स्ट फ्लोर की भी इसके साथ ही यहाँ से आपको स्टेयर्स मिल रही हैं। चीवर्स बेसमेंट के अंदर हम आ चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए टोटल टाइल वर्क है।
और बेसमेंट आपको इतनी ही मिलती है जितना आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। ये टोटल इसका साइज़ है। और यहाँ पे भी आप अपने गेस्ट के लिए या अपना प्लेइंग रूम बना सकते हैं, प्रेयर रूम बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। दो फैंस ऊपर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और ये आपका टोटल बेसमेंट का साइज़ है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और आपको फर्स्ट फ्लोर के व्यूज़ दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आ गया हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर के बारे में बताऊँ आपको। तो सबसे पहले ये आपको एक स्टेयर वॉक मिलेगी जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील की आपको रेलिंग डिज़ाइन करके दी गई है और स्टेयर के ऊपर काफ़ी खूबसूरत वर्क है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंगिंग लाइट्स हैं और ऊपर से स्काई लाइट भी आपको मिल रही है। स्क्वेयर्स के अंदर इसकी सीलिंग वर्क के ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ से आपको टेरेस की स्पेस मिलेगी। मैं डिज़ाइन आपको समझाऊँ तो सबसे पहले आपको फ्रंट पर एक मास्टर बेडरूम मिलेगा और उसके साथ घर का बाकी एरिया यहाँ से कनेक्ट होगा। अभी हम चलते हैं इसके टीवी लाउंज वाली साइड पर क्योंकि मैंने आपको एक खास चीज़ दिखानी है। तो सबसे पहले आप टीवी लाउंज का व्यू देख सकते हैं। टीवी लाउंज के ऊपर सीलिंग वर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं सर्कल्स के अंदर यहाँ पर आपको सीलिंग वर्क के अंदर लाइट वर्क भी करके दिया गया और ये इसी टोटल स्पेस है सीलिंग वर्क की टीवी लाउंज की। क्योंकि सिंगल यूनिट घर है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर पर ज़्यादा बड़ा किचन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको किचन स्पेस डिज़ाइन करके दी जा रही है, इसको आप देख सकते हैं। और फ्रंट पर आपके लिए मीडिया वॉल यहाँ पर डिज़ाइन हो सकती है और उसी के साथ यहाँ पर एक डोर लगेगा जो कि आपको इस ओपन स्पेस के अंदर आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, अपना बारबेक्यू कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि टिल द स्काई ऊपर तक ओपन रहेगी। स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है और यहाँ से आपको एक वैनिटी सेटअप भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया। तो एक अच्छा प्लस पॉइंट है इस घर का अंदर। और ये इसका टीवी लाउंज स्पेस ही, उसी के साथ बैक साइड पर दो बेडरूम्स हैं, एक आपको स्टोर रूम मिलेगा। स्टोर रूम का सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये इसका स्टोर रूम है और उसके साथ हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। दो बेडरूम्स मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पर दिखाए थे, इसका आप थर्ड बेडरूम देख सकते हैं। सीलिंग वर्क इसकी आप देख सकते हैं सिंपल और उसके साथ UPVC विंडोज़ यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। वॉर्डरोब्स के लिए यहाँ पर आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें स्लाइडिंग डोर है, इसको आप सेपरेट करके वॉर्डरोब्स के अंदर आप अपना एक्सेस कर सकते हैं। इस कमरे का साइज बहुत अच्छा है और इसके साथ अटैच बाथ है, बहुत स्पेशियस। वॉशरूम्स बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं व्यूअर्स। इसके साथ आप देख सकते हैं वॉल हंग मोड है और एक वैनिटी सेटअप इसके कॉर्नर पर डिज़ाइन करके दिया गया। फैसल की सैनिटरीज हैं, इसका शॉवर आप देख सकते हैं और ऊपर से इसके स्काईलाइट भी आपको मिलेगी। इसी के साथ अटैच होता है इसका फोर्थ बेडरूम। वुड क्वालिटी व्यूअर्स अच्छी है और डोर हैंडल्स भी यहाँ पर अच्छे लगाए गए हैं। इसका फोर्थ बेडरूम है जिसके अंदर आपको डबल विंडोज मिल रही हैं। रोशन बेडरूम है ये व्यूअर्स। यहाँ पर आप इसका टाइल वर्क देख सकते हैं, वही सेम अच्छी टाइल्स हैं। और उसके साथ हम चलते हैं इसके अटैच बाथ के अंदर। तो आते साथ आपको यहाँ पर वॉशरूम के अंदर ही वार्डरोब्स मिलेंगी लेकिन सेपरेट हैं, वॉशरूम से दूर ही रखी गई हैं। यहाँ पर इसकी स्पेस आप देख सकते हैं और ये इसका वॉशरूम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पोर्टा का आपको वैनिटी सेट डिज़ाइन करके दिया गया। वॉल हंग कमोड है, बहुत स्पेशियस वॉशरूम है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो आपको आइडिया होगा कि बहुत स्पेशियस यहाँ पर इसका वॉशरूम डिज़ाइन किया गया। वैसे ही यहाँ से आपको ऊपर शॉवर के ऊपर से स्काईलाइट मिलने वाली है। फोर्थ बेडरूम आपने देखा, अब लास्ट इसका रह गया है टेरेस और इसका मास्टर बेडरूम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेयर्स के बिल्कुल फ्रंट पर आपको इसका मास्टर बेडरूम मिलेगा। स्पेस बहुत ज़्यादा है इसकी मास्टर बेडरूम की। इसकी सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं व्यूअर्स, सबसे मुख्तलिफ इसकी सीलिंग वर्क आपको मिल रही है। फ्रंट का बेडरूम है ये, आपको स्ट्रीट व्यू भी मिलेगा यहाँ से, तो मैं आपको दिखा दूँ। और ये आप देख सकते हैं ये आपका स्ट्रीट व्यू होगा और यहाँ से आपको टोटल स्पेस मिल रही है बेडरूम की। मास्टर बेडरूम है तो आपको अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलने वाली है। अटैच बाथ है उसी के साथ बहुत बड़ा, वार्डरोब्स और उसी के साथ यहाँ पर वैनिटी सेटअप। बस इस विला को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस विला की डिमांड जान सकते हैं और इसकी डिटेल्स जान सकते हैं। आप चलते हैं इसके टेरेस के ऊपर। बस ये इसका टेरेस साइज़ है, छोटा साइज़ है 500 गज के हवाले से क्योंकि आप देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम की वजह से इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया गया। अगर आप ऐसी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं बैरियर कराची के अंदर तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सचेंज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। इसी के साथ यासिर गफूर को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।